भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी दृष्टि हमेशा मेरे लक्ष्य पर रहे, मेरा अक्ष, अक्ष मतलब दृष्टि, आंखें मेरे लक्ष्य पर बनी रहे। चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। क्या कहा? गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा मेरा चाह है, मेरी तमन्ना है, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। मिल गया सब कुछ ही मुझको, अब नहीं कुछ कामना, जानना खुद ही को खुद से दूसरा कोई काम ना, दूसरा कोई काम नहीं। मिल गया सब कुछ ही मुझको, अब नहीं कुछ कामना, जानना खुद ही को खुद से दूसरा कोई कामना, दिख रहा जो जगत श्रुत से शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। मोह ममता मान सब सब मोह ममता मान मद सब छोड़ लाही छोड़ नाही जान लूं, मोह ममता मान मद सब छोड़ नाही जान लूं, प्राप्त करना ही मुझे मेरा ठिकाना ठान लूं। मोह ममता मान मद सब छोड़ नाही जान लूं, प्राप्त करना ही मुझे मेरा ठिकाना ठान लूं, पूर्णता चारित्र की हो अनस्वर सम्यक्त हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। पार्थ सी हो दृष्टि मेरी, पार्थ बोले तो अर्जुन, द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन क्या दिख रहा है? पर्वत दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, झरने दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा ये दिख रहा है। अर्जुन तुम बता भैया तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे तो उस वृक्ष पर बैठी चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि गुरुदेव ने उसी को दृष्टि रखकर तो प्रश्न पूछा था। पार्थ सी हो दृष्टि मेरी, आंख चिड़िया की दिखे, केवल लक्ष्य पर दृष्टि होना चाहिए। पार्थ सी हो दृष्टि मेरी, आंख चिड़िया की दिखे, जगत को अब लोक ते भी लक्ष्य पर दृष्टि टिके, निर्बंध ना हो जाऊं तब तक सतत वरद हस्त हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। दूज के चंदा की भांति साधना बढ़ती रहे, हर दिन साधना में बढ़ोतरी होती रहे, भगवान गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो। दूज के चंदा की भांति साधना बढ़ती रहे, प्रतिपल अपूरब उर्मिया उर्मे सदा उठती रहे, नए नए भाव, नए नए विचार, अच्छे अच्छे विचार भाव मन में आते रहे, और विशुद्धि बढ़ती रहे। दूज के चंदा की भांति साधना बढ़ती रहे, प्रतिपल अपूरब उर्मिया उर्मे सदा उठती रहे, शीघ्र ही यह आत्मा शिव धाम की अध्यक्ष हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। बहुत धूप पड़ रही महाराज, जेठ की तपती दोपहरी भी मुझे ठंडा रखे, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो। अभी तो अप्रैल है, मई उसमें जब तपा लगेंगे तो बहुत तेज धूप पड़ती है, जेठ की तपती दोपहरी भी मुझे ठंडा रखे, पूस की सर्दी कड़कती भी हृदय चंगा रखे, अनवरत अनगार यह नित मुक्ति के समकक्ष हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो। अब क्या करना, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो। खोल कर आंखें जगत को देखना अब बंद हो, मुझे नहीं देखना अब जगत, बहुत देख लिया, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे, गुरुदेव ऐसा आशीष दो। खोल कर आंखें जगत को देखना अब बंद हो, भीतरी आंखें खुलें अब मात्र आत्मानंद हो, समता सहजता और सजगता श्रवण सब में दक्ष हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही अक्ष हो, चाह इस आशीष की बस लक्ष्य पर ही। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।